नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज वही जगह पे हूँ जहाँ कुछ समय पहले मैंने आपको एक पत्थरकोट की एक लुभावनी सुंदरता दिखाई थी। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ की सुंदरता देखी थी, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ देखे थे, यहाँ का बदलता मौसम देखा था और उससे बढ़कर यहाँ का खूबसूरत गांव देखा था जिसके पत्थरों में बेहतरीन नक्काशी है और यह गांव हमारी पुरानी संस्कृति को जिंदा किए हुए है और यहाँ माता भगवती और भोले शंकर का पौराणिक मंदिर आपने देखा था। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में गांव का विकास न होने से आधे गांव का पलायन हो चुका है और वर्षों पुराना प्राइमरी विद्यालय बंद हो चुका है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है तो दूसरी ओर कीचड़ भरी सड़क लोगों का रास्ता रोक देती है। इसके साथ साथ मंदिर की पहचान भी खोई जा रही है। तो दोस्तों, आइए इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के ग्रामीण महेंद्र जी से। मेरे को तो ये लग रहा है दिवाली जी कि जैसे हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे युवाओं ने, कई युवा यहाँ से पढ़ लिख करके हमारे गांव से बाहर चले गए हैं, कई परिवार हमारे गांव से पलायन करके बाहर निकल गए हैं जी। और हमसे मिलना जुलना उनका कभी बहुत कम रहता है। जो हमारे साथ के हैं युवा, वो आते हैं लेकिन उनके साथ उनके बच्चे नहीं आते हैं, जिससे कि वो हमारी संस्कृति को जो है नहीं पहचान पाएंगे कल। और दूसरा यह है कि जिस मंदिरों में हम अपने गांव के जो रास्ते ख़राब हो रहे हैं उसको तो चलो जो भी है, लेकिन मंदिरों की यह हाल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पूरा मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अच्छा, तो आप समस्याएं दिखाई दीजिए जरा सा, क्या क्या हैं समस्याएं? ये हैं, या मंदिर में देखो, अभी हमने जो है ये इसमें जो अभी जो है मेन काम होना है, ये फर्श टूट चुका है, आपको दिखाता हूँ, इधर दीवार टूटा और ये पाइप जो है ये पूरे हिल गए हैं, खाली पाइप लगा रखे हैं, अगर कोई आदमी गिरता है तो पाइप से जो है पहले ही जो है आदमी गिर जाएगा। ये कुछ कोई रोकथाम इसमें है नहीं। एक लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर बनानी थी, वो बहुत जरूरी थी क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी हमारे पास जो है शौचालय है नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर जो है जब बारिश आती है, हवा चलती है तो पूरी चीज़ें उड़ जाती हैं, जो हम तिरपाल वगैरह लगाते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर एक टीन शेड बनवाना था। हमारे चाचा जी हैं नरेंद्र तिवारी जी, जी जी, वो जो है ये अपने जो है उन्होंने जो है ये गेट का जो है भी काम चला रखा है अपनी, उन्होंने वचन दान दिया था गेट बनाने का, तो उनके द्वारा जो है ये गेट बनाया जा रहा है और अब ये गेट का काम आज फाइनल हो जाएगा। थोड़ा इसमें रास्ता भी बनना है जी। तो ये गेट जो है उनके द्वारा बनना है, उन्होंने वचन दिया था माता के मंदिर में कि मैं ये गेट बनाऊंगा, तो उनके द्वारा ये वचन दान आज पूरा होने जा रहा है। तो मेरा आप युवाओं से, जो भी मेरे साथ के हैं या बाहर हमसे बड़े हैं, जो भी है, मेरे उनसे एक अनुरोध है कि अगर आपने इस गांव को देखना है, कभी आपकी इच्छा होती है भगवती के मंदिर में आने की, तो आप जो है जो भी काम कराना चाहते हैं अपने सहयोग से, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आप हमको मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि भाई ये काम कराना है और ये करना है मंदिर में, तो आपके जो भी सहयोग होगा उसको हम गारंटी के साथ हम आपको बताते हैं कि उसका हम सदुपयोग करेंगे यहाँ पर। और ख़ास कर से क्योंकि आपने जिस तरीके से समस्याएं गिनाई, मंदिर में काफ़ी समस्याएं लग रही हैं क्योंकि इससे पुरानी, हमारी बहुत पुरानी संस्कृति जुड़ी हुई है, तो आप और हमारे लीडर्स से, पॉलिटिशियन से क्या उम्मीद रखते हैं इसके लिए? तो मैं ये कहता हूँ कि पैसा जो है गांव में नहीं आ रहा, जबकि हमारी रोड को आज 10 साल हो गए हैं, इसका डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ है जी। 10 इससे पीछे बनी वाली रोडें सारी डामरीकरण हो चुकी हैं जी, और इसको जो है आज तक इसमें ना एक कोट बीच ना सोलिंग हुई है ना कुछ हुआ है। और दूसरी समस्या देखिए, हमारे गांव में स्कूल था, सन 1960 में स्कूल बना हुआ था, तो हमारे पिताजी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, सब ने यहाँ से स्कूल पढ़ा, आज स्कूल जो है हमारा बंद हो चुका है, 1 साल हो गया है स्कूल बंद हो गया। ये हमारे गांव की समस्या नहीं है, ये सभी गांव की समस्याएं हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी यहाँ शायद आएगी या नहीं आएगी उसका भी यहाँ पता नहीं है। और मेरा सभी अपने युवाओं से ये भी अनुरोध है कि अभी हमारी होली शुरू होने वाली है, जो भी हमारे साथ के युवा हैं, मैंने उनसे सबसे कह रखा है, पहले भी कहते थे कि भैया आप लोगों ने होली में आना चाहिए, तो उन लोगों को हमारा विशेष उनसे एक अनुरोध है कि इस बार होली में आप लोग आइएगा, नहीं तो होली भी अब जो है ख़त्म होने को जा रही है। पहले हम अष्टमी के दिन यहाँ पर चीर बांधते थे भगवती के मंदिर में, अब जो है एकादशी के दिन चीर बांधने लग गई। पहले हमारे यहाँ जो है शिवरात्रि के दिन से जो है होली, बैठ होली शुरू हो जाती थी, अब जो है बैठ होली बंद कर दी है, कभी भी बैठ होली नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि
किस तरीके से गांव में अभी भी समस्याएं उस तरीके से बरकरार हैं, जिस तरीके से इन्होंने पत्थरकोट के इस मंदिर की समस्याएं बताई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज लाइट हर जगह जा चुकी है लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर कही जाए कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं बन रखी है, ये कॉमन सी समस्याएं हैं जिससे हर कोई वाकिफ है और इस समस्याओं को बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए और जो हमारी पुरानी संस्कृति है उस संस्कृति को जरूर जरूर उस संस्कृति को निभाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस बारे में जान सकें। और रही बात होलियों पे आने वाले, मुझे लगता है कि आप हर किसी ने इस होली को अपने गांव में जाके सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप होली अपने गांव में मनाते हैं तो आप अपने गांव की संस्कृति को जीवित रख पाएंगे, आप अपने गांव के उल्लास का अनुभव कर पाएंगे, आप अपने बचपन को दोबारा जी पाएंगे, आप अपने गांव को देखकर अपने देश का विकास देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेट्रो सिटी में रहकर आप केवल अपना ही विकास कर सकते हैं, देश का नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि मेट्रो सिटी में बेरोजगारी के कारण रहने वाले लोगों को अपने गांव की याद आए और वह अपने गांव की ओर दौड़े दौड़े आएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल संतोष तिवारी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आखिरी अपील, इस बार होली अपने गांव में ही मनाएं, अपने लोगों के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।